आपने पाया होगा कि इस अभिभाषण के एक पृष्ठ से लेकर अंतिम पृष्ठ तक हमने पहले की सरकार पर कोई आक्षेप नहीं किया, बल्कि ये देश जिन समस्याओं से जूझ रहा है उनको निराकरण करने की हमारी क्या दृष्टि है केवल उसका खुलासा किया। अध्यक्ष जी, एकाध पैरा में हमने कुछ आंकड़े जरूर दिए हैं, लेकिन वो आंकड़े ऐसे हैं कि यदि यूपीए सरकार अपनी ओर से आर्थिक सर्वेक्षण पेश करती तो वो आंकड़े जस के तस आते, क्योंकि वो प्रामाणिक हैं, सरकारी हैं, अधिकृत हैं। अगर उन आंकड़ों को ये साथी अपने पर आक्षेप मानते हैं तो फिर मुझे जनकवि दुष्यंत की वो दो पंक्तियाँ जिनमें उन्होंने व्यंग किया है वो कहनी होंगी कि मत कहो आकाश में कोहरा घना है, ये किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। अध्यक्ष जी, ये अभिभाषण हमें मिले हुए स्पष्ट जनादेश से शुरू होता है, और मैं आज ये कहना चाहूंगी कि इस जनादेश ने भारत की राजनीति में एक नया आयाम जोड़ा है। ऐसा नहीं है कि ऐसे जनादेश पहले नहीं आए, इससे भी बड़े बड़े आए। 1984 में कांग्रेस को 400 से ज्यादा सीटें मिली, 1980 में भी 300 से ज्यादा सीटें मिली। लेकिन इसको मैं नया आयाम क्यों कह रही हूं, क्योंकि 1984 के बाद देश में एक परिवर्तन आया जिसमें किसी भी दल को अपने तौर पर पूर्ण बहुमत नहीं मिला करता था, और भारत की राजनीति का विश्लेषण करने वाले राजनीतिक पंडित ये कयास लगा रहे थे कि आगे कम से कम 20 वर्ष तक ये संभव नहीं होगा। और इसीलिए जब हम अपने तौर पर 272 प्लस की बात करते थे तो कुछ अचंभित होते थे, कुछ उपहास करते थे, और कुछ हमसे पूछते थे कि स्टेट के स्टेट आपके खाली पड़े हैं, आप 272 कैसे लाएंगे। मुझसे अगर किसी ने पूछा तो मैंने हंसकर केवल एक कहा, 16 मई को देखना। और अध्यक्ष जी, आप साक्षी हैं, जब 16 मई को चुनाव परिणाम आने लगे तो लोगों ने देखा हिमाचल में 4 में 4, उत्तराखंड में 5 में से 5, दिल्ली में 7 में से 7, राजस्थान में 25 में से 25, गुजरात में 26 में से 26, मध्य प्रदेश में 29 में से 27, छत्तीसगढ़ में 11 में से 10, और जब उत्तर प्रदेश खुला तो 80 में से 73 पाते ही भारतीय जनता पार्टी बहुमत का आंकड़ा पार कर गई। 282 सीटें हमें भाजपा के तौर पर मिली और 336 सीटें हमें अपने सहयोगी दल के साथ। इसके दो प्रमुख कारण थे। पहला कारण था कि लोगों में सरकार के प्रति गुस्सा था, और दूसरा कारण था कि श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने विकल्प के रूप में स्वीकार कर लिया, और इसीलिए जात पात की दीवारें ढह गईं, उम्मीदवार गौण हो गए, और लोगों ने लाखों लाख के अंतर से हम लोगों को जिताया। लेकिन आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगी, भाई तारिक अनवर जी को भी हम जानते हैं, जितनी बड़ी विजय उतनी बड़ी जिम्मेदारी, इसलिए इस विराट जीत को हम विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं, सर झुकाकर स्वीकार करते हैं। राष्ट्रपति अभिभाषण में अध्यक्ष जी कहा गया ये उम्मीदों का चुनाव, ये सच है, और हमें लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरना है। और खरा उतरने के लिए जरूरी था कि हम पितामह का दूसरा सूत्र सुनते हैं, गलतियों से सबक लेने का। तो वो गलतियां क्या थी, इसके लिए हमने उन कारणों की पहचान की जिसके कारण इस देश में जन आक्रोश उमड़ा था। ऐसे 10 कारण हमें दिखाई दिए अध्यक्ष जी। पहला कारण था महंगाई की मार, दूसरा कारण था घोर भ्रष्टाचार, तीसरा कारण था घोटालों की भरमार, चौथा कारण था किसानों का हाहाकार, पांचवा कारण था बंद कारोबार, छठा कारण था मंद व्यापार, सातवां कारण था युवा बेरोजगार, आठवां कारण था किसानों से महिलाओं से दुराचार, और नौवां कारण था संस्थाओं से दुर्व्यवहार, और 10वां कारण था अध्यक्ष जी सैनिकों के साथ सीमा पर अत्याचार। इन 10 कारणों को जब हमने चिन्हित किया तो हमने कहा कि एक एक कारण का हम संज्ञान लेंगे और इस अभिभाषण में ये बताएंगे कि हम इन कारणों को कैसे समाप्त करना चाहते हैं, और मुझे खुशी है कि हमने एक एक का संज्ञान लिया। महंगाई की मार का संज्ञान हमने लिया अभिभाषण के पैरा 8 में।
और हमने दो बातें कही। पहला, खाद्य पदार्थों की कीमतों को बढ़ने से रोकना मेरी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता होगी, और दूसरा, मेरी सरकार जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाएगी। यानी अपनी प्राथमिकता तय करते समय उस आम आदमी और उस आम औरत को जिसकी रसोई पर मार पड़ती थी, हमने अपनी प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर रखा और उसको खत्म करने के उपाय के रूप में कालाबाजारी और जमाखोरी दोनों को रोकने के प्रभावी कदम का जिक्र किया। दूसरा कारण मैंने बताया, घोर भ्रष्टाचार। पैरा 23 में हमने उसका जिक्र किया। मेरी सरकार देश को भ्रष्टाचार और काले धन जैसी बुराई से छुटकारा दिलाने के लिए कृत संकल्प है। इस दिशा में पहले कदम के रूप में विदेशों में जमा काले धन का पता लगाने के लिए सरकार ने विशेष जांच दल का गठन कर दिया है। विदेशी सरकारों के साथ सक्रिय रूप से कार्य करते हुए इस पर ठोस कार्रवाई की जाएगी। यानी भ्रष्टाचार को समाप्त करने का संकल्प भी दिखाया और जो काम किया है उसका उल्लेख भी किया। तीसरा, मैंने कहा था घोटालों की भरमार, उसका संज्ञान हमने पैरा 21 में दिया। मेरी सरकार एक साफ सुथरा और कुशल प्रशासन प्रदान करने के लिए कृत संकल्प है। सरकार पारदर्शी प्रणाली कायम करने और सरकारी सेवाएं समय पर मुहैया कराने पर बल देगी। आप जानती हैं अध्यक्ष जी, अगर कार्यप्रणाली पारदर्शी हो जाए, ई टेंडरिंग हो रही है, ई गवर्नेंस हो रही है, सब कुछ ऑनलाइन पड़ा है, तो घोटालों की गुंजाइश ही नहीं रहती। इसलिए हमने अपना संकल्प दोहराया कि हम साफ सुथरा प्रशासन देंगे और प्रणाली को पारदर्शी बनाएंगे। चौथी बात मैंने कही थी किसानों का हाहाकार, वो हमने पैरा 10 में उसका संज्ञान दिया। कृषि हमारी अधिकांश जनता की आजीविका का स्रोत है। पिछले कुछ समय में हमारे किसान बहुत ही विषम परिस्थिति में हैं और हताशा के कारण कुछ तो आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गए। मेरी सरकार इस दुर्भाग्यपूर्ण हालात को पूरी तरह बदलने के लिए प्रतिबद्ध है। वैज्ञानिक तरीके और कृषि प्रौद्योगिकी अपनाकर खेती को लाभकारी उद्यम में बदलने के लिए उपाय किए जाएंगे। अध्यक्ष जी, आप जानती हैं, अपने यहां कहा जाता था उद्यम खेती मध्यम बाण। जितने भी पेशे हैं उनमें सबसे ऊपर खेती को माना जाता था, लेकिन आज हालत ये गई कि खेती लाभ का धंधा रही नहीं, लोग खेती से पलायन कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश के किसान क्रॉप हॉलीडेज की घोषणा कर रहे हैं क्योंकि जितना उन्हें मिलता है वो लागत से कहीं कहीं कम है। इसलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि इन आत्महत्याओं को रोकने के लिए, खेती को लाभ का उद्यम बनाने के लिए हम कुछ करें। तो हमने दोनों बातें कही, हमने अपनी प्रतिबद्धता भी जताई किसान को इस विषम परिस्थिति से निकालने की, और हमने ये भी कहा कि हम वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके इसको वापस लाभ का उद्यम बनाएंगे। पांचवी बात मैंने कही थी बंद कारोबार, उसका संज्ञान हमने पैरा 26 में दिया। मेरी सरकार एक ऐसा नीतिगत वातावरण तैयार करेगी जिसमें स्थायित्व हो और जो पारदर्शी तथा निष्पक्ष हो। व्यवसाय करने को आसान बनाने के लिए सुधार किए जाएंगे। अध्यक्ष जी, आप स्वयं साक्षी हैं इस बात की कि पुराने 5 वर्षों से ऐसे लगता था जैसे देश ठप्प हो गया है, कुछ चल नहीं रहा था, लेकिन हमारे सामने ये चुनौती है इस ठप्प देश को खड़ा करने की, खड़ा करके चलाने की और चलाने के बाद दौड़ाने की। और मुझे खुशी है कि जो 3 मंत्र हमारे प्रधानमंत्री ने रखे, स्किल, स्केल और स्पीड, जिसका जिक्र इसमें भी आया है, उसके माध्यम से हम इस देश को खड़ा भी करेंगे, चलाएंगे भी और बहुत जल्दी दौड़ाएंगे भी, इसका एक अभिप्राय इस अभिभाषण में दिया गया। पांचवा मैंने कहा था मंद व्यापार, उसका संज्ञान हमने पैरा 29 में दिया है। वैश्विक व्यापार में अपनी भागीदारी को बढ़ाने के लिए कार्य पद्धतियों को सरल बनाया जाएगा और व्यापार ढांचा मजबूत किया जाएगा ताकि कारोबार संचालन समय तथा लागत में कमी लाई जा सके। आप जानती हैं अध्यक्ष जी के व्यापार का सीधा रिश्ता किसान की खुशहाली से होता है और व्यापार का सीधा रिश्ता उद्यमी की खुशहाली से होता है। अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर खुश है तो व्यापार खुश है, अगर किसान की जेब में पैसा है तो व्यापार खुश है। और उन दोनों के हालात बदलने के लिए हमने कहा है कि हमारा व्यापार जो आज मंद है वो केवल भारत में ही नहीं बढ़ेगा बल्कि वैश्विक व्यापार में हम प्रतिस्पर्धा लाने के लिए तैयार हैं। इसका उल्लेख इस
उसमें अभिभाषण में किया गया है। सातवां मैंने कहा था युवा बेरोजगार, उसका संज्ञान हमने इसके पैरा 12 में लिया। हमने कहा है कि मेरी सरकार केवल युवा विकास की संकल्पना की बजाय युवा संचालित विकास व्यवस्था प्रदान करेगी, और हमने कहा है कि मेरी सरकार हर हाथ को हुनर के उद्देश्य से औपचारिक शिक्षा और कौशल विकास के बीच की बाधाओं को दूर करने का प्रयास करेगी। मेरी सरकार हुनरमंद भारत के लक्ष्य से नेशनल मल्टी स्किल मिशन भी शुरू करेगी। आप जानती हैं कि बेरोजगारी केवल सरकारी नौकरियों से दूर नहीं हो सकती, उसके लिए हमारे योजन में कौशल का विकास करने की बहुत आवश्यकता है, और इसीलिए हमने नाम दिया कि भारत जाना जाएगा एक हुनरमंद भारत। और बहुत बार पढ़ाई इसके आड़े आती है, इसलिए हमने कहा कि वो जो बीच का अंतर है हम उसको भी खत्म करेंगे, लेकिन एक मल्टी स्किल मिशन हम लागू करेंगे जिसमें हम अपने युवाओं में और युवा प्रतिभाओं में तरह तरह के कौशल का विकास कर सकें ताकि स्वरोजगारी होकर के वो आत्मसम्मान से जिंदगी जी सकें। ये हमारा अभिप्राय इस अभिभाषण में है। आठवीं बात मैंने कही थी महिलाओं से दुराचार, उसका संज्ञान हमने पैरा 19 में लिया। मेरी सरकार समाज के विकास और राष्ट्र की समृद्धि में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करती है। वो संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए वचनबद्ध है। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की प्रतिबद्धता के साथ मेरी सरकार बालिका को बचाना और उसकी शिक्षा के लिए व्यापक जन अभियान आरम्भ करेगी। मेरी सरकार महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को बिल्कुल सहन नहीं करने की नीति अपनाएगी और उसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए दांडिक न्याय प्रणाली को समुचित रूप से मजबूत किया जाएगा। अध्यक्ष जी, मैंने इस बात को बार बार कहा है कि यदि हम महिला का उत्थान चाहते हैं और उसका कल्याण चाहते हैं तो चार चीज़ें जरूरी हैं, शिक्षा, सुरक्षा, आर्थिक स्वावलंबन और राजनीतिक सशक्तिकरण। जहाँ तक शिक्षा का सवाल है, हमने कहा है बेटी पढ़ाओ ये एक अभियान बनेगा हमारे लिए। जहाँ तक सुरक्षा का सवाल है, हमने कहा है जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट वीमेंस वायलेंस। हमने जीरो टॉलरेंस का यहाँ कहा है, हिंसा को बिल्कुल सहन नहीं करेगी, जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएगी। जहाँ तक सुरक्षा का सवाल है, आर्थिक स्वावलंबन के लिए हमने यहाँ कहा है कि वो देश के विकास में बराबर की भागीदार होगी। और जहाँ तक राजनीतिक सशक्तिकरण का ताल्लुक है, हमने 33% आरक्षण की बात की। अध्यक्ष जी, महिला सशक्तिकरण की बात तो बहुत पार्टियां करती हैं, लेकिन हमने पिछले एक महीने में इसको कर दिखाया है। गुजरात में मुख्यमंत्री का पद खाली हुआ, हमने एक महिला मुख्यमंत्री को वो पद दिया। हमारी कैबिनेट बनी, 23 कैबिनेट मंत्रियों में से 6 कैबिनेट मंत्री यानी 25% का हिस्सा हमने महिलाओं को दिया। एक महिला ने ये स्पीकर का पद खाली किया, हमने आप जैसे गरिमामय व्यक्तित्व को इस पर सुशोभित किया। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि कहना और करना एक अलग चीज है। हमने अगर यहाँ 33% आरक्षण की बात की है तो मैं ये कहना चाहती हूँ, इस समय सोनिया जी नहीं बैठी और खड़गे जी बैठे हैं, खड़गे जी आपकी पार्टी ये विधेयक राज्यसभा में लेकर आई थी और हमने समर्थन किया था। मैं आपसे आश्वासन चाहती हूँ कि जब मेरी पार्टी इस विधेयक को यहाँ लेकर आए तो आप समर्थन करें, क्योंकि मेरा ये निश्चित तौर पर मानना है आप सारे काम कर दें लेकिन अगर महिला को राजनीतिक रूप से आप सशक्त नहीं करेंगे तो आपकी बारी क्षमताएं भी कम हो जाएंगी। इसलिए 33% का आरक्षण का विधेयक पास करने वाली ये 16वीं लोकसभा होनी चाहिए। बहुत सी लोकसभाएं किसी ना किसी मील के पत्थर विधेयक के लिए जानी जाती हैं और ये 16वीं लोकसभा मील का पत्थर विधेयक महिला आरक्षण का पारित करे, इसके लिए मैं तमाम साथियों से निवेदन करती हूँ, क्योंकि जितने इधर बैठे हैं ये सब अलग अलग से कह चुके हैं कि महिला आरक्षण के पक्ष में हैं। तो हमने जो करके दिखाया है ये भी हम करके दिखाएंगे कि 16वीं विधानसभा में महिला आरक्षण विधेयक प्राप्त पारित करा के हम 33% का आरक्षण संसद और विधानसभाओं में उन्हें देने का काम। बहुत धन्यवाद। 9वीं बात मैंने कही थी संस्थाओं से दुर्व्यवहार, उसका संज्ञान हमने पैरा 20 में लिया है। भारत संघीय व्यवस्था वाला देश है, परंतु काफी वर्षों से इसकी संघीय भावना को कमजोर किया गया है। राज्यों और केंद्र को सामंजस्यपूर्ण टीम इंडिया के रूप में काम करना चाहिए। राष्ट्रीय मुद्दों पर राज्यों के साथ सक्रियता से कार्य करने के लिए मेरी सरकार राष्ट्रीय विकास परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद जैसे मंचों को पुनः सशक्त बनाएगी। अध्यक्ष जी,
संघीय ढांचा इस देश के संविधान का मूल प्राण है। इसी तरह से संस्थाएं सीबीसी, सीएजी, सीबीआई, ये वो लोकतंत्र के खंभे हैं जिन्हें निष्पक्षता से काम करने का अधिकार होना चाहिए। और संघ और राज्यों के बीच में टकराव इस देश के लोकतंत्र के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसलिए हमने कहा है कि ये जो परिषदें बनी हैं, हम इनका पुनर्गठन करेंगे और इनको एक सशक्त टीम इंडिया के रूप में खड़ा करेंगे। दसवां बिंदु मैंने कहा था, सैनिकों के साथ अत्याचार, उसका संज्ञान हमने पैरा 42 में दिया है। मेरी सरकार अपने वीर एवं निस्वार्थ सैनिकों के ऋण को चुकाने के लिए सब कुछ करेगी। एक राष्ट्रीय सरकार अपने सैनिकों के पराक्रम का सम्मान करने के लिए राष्ट्रीय युद्ध स्मारक बनाएगी। एक रैंक एक पेंशन योजना लागू की जाएगी। अध्यक्ष जी, जो देश अपने शहीदों को भूल जाता है या शहीदों का अपमान करता है, वो देश बर्बाद हो जाता है। और इसीलिए हमने ये कहा है कि हम युद्ध स्मारक बनाएंगे, और हमने शब्द इस्तेमाल किया सब कुछ करेगी। अपने वीर और निस्वार्थ सैनिकों के सम्मान के लिए ये सरकार सब कुछ करेगी, इस अपनी प्रतिबद्धता को हमने पैरा 42 में लिया है। अध्यक्ष जी, ये जो 10 बिंदु हमने चिन्हित किए थे, उन 10 बिंदुओं पर हम क्या करेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, इसका जिक्र मैंने आपके सामने किया। लेकिन इसके अलावा भी कुछ बहुत अनूठी पहले हैं जिनका जिक्र हमने इस अभिभाषण में किया है। कल खड़गे जी आप बोलते हुए कह रहे थे कि दो दो शब्द लिख दिए, योजना तो बताई नहीं। आप बहुत वरिष्ठ सांसद हैं, सरकार में भी रहे हैं, आप ये जानते हैं कि राष्ट्रपति अभिभाषण के बाद बजट आता है, और ये परंपरा है कि राष्ट्रपति अभिभाषण में केवल दिशा दिखाई जाती है, बजट में योजनाएं लाई जाती है, और उन योजनाओं को अमली जामा पहनाने के लिए राशि भी आवंटित की जाती है। इसलिए थोड़ी सी प्रतीक्षा करिए उस बजट की जिसमें योजनाओं का खुलासा होगा। लेकिन इस राष्ट्रपति अभिभाषण में भी हमने कुछ बड़ी योजनाएं बताई हैं, मैं आपसे पूछना चाहती हूं। हमने कहा है हम हर राज्य को आईआईटी देंगे, क्या ये योजना नहीं है? हमने कहा है हम हर राज्य को आईआईएम देंगे, क्या ये योजना नहीं है? हमने कहा है हम हर राज्य में एम्स जैसे अस्पताल का निर्माण करेंगे, क्या ये योजना नहीं है? हमने कहा है हम विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस 100 नए शहर बनाएंगे, क्या ये योजना नहीं है? हमने कहा है कि स्वर्णिम चतुर्भुज राष्ट्रमार्ग राजमार्गों जैसी योजना के तर्ज पर हम रेल का एक हीरक चतुर्भुज बनाएंगे, क्या ये बड़ी योजना नहीं है? और हमने कहा है कि हम गंगा का पुनरुद्धार करेंगे, क्या वो बड़ी योजना नहीं है? खड़गे जी, ये पूरे बोल देते थे, आपको इतनी तकलीफ नहीं होती थी एक्सप्लेन करने में। अध्यक्ष जी, आज मुझे अपने कुछ साथियों की याद आ रही है जो सदन में नहीं है। समाजवादी पार्टी के रेवती रमन सिंह, वामपंथी प्रबोध पांडा और मेरे साथी शाहनवाज हुसैन। कोई सत्र ऐसा नहीं बीता जिसमें इन तीनों को लेकर मैं प्रधानमंत्री जी के पास ना गई हूँ गंगा के पुनरुद्धार के लिए। हम बार बार एक कहते थे बात, प्रधानमंत्री जी गंगा को अविरल और निर्मल बहने दो। लेकिन आज मुझे खुशी है कि हमने गंगा पुनरुद्धार का अलग मंत्रालय स्थापित किया। क्यों? क्योंकि गंगा हमारे लिए नदी नहीं है, गंगा हमारे लिए माँ है। और मुझे खुशी है ये बात कहते जो सांसद उस दिन केंद्रीय कक्ष में बैठे होंगे जब जापान के प्रधानमंत्री आए थे, तो उन्होंने बोलते हुए गंगा पर गंगा अदर रिवर्स आल्सो द सेम थिंग कावेरी एंड मगर आई रिक्वेस्ट जल संसाधन। एक मिनट थंबी दुरई जी, मंत्रालय है जल संसाधन नदी विकास और गंगा पुनरुद्धार। एक मिनट, उस मिनिस्ट्री का नाम है, हमने जो मंत्रालय आ गए वो समझ गए ना, वो मान गए, मंत्रालय का नाम ही है, मंत्रालय का नाम है जल संसाधन नदी विकास और गंगा पुनरुद्धार। इसलिए गंगा को हमने एक अलग महत्व दिया है। प्लीज गंगा को, प्लीज गंगा को हमने, प्लीज 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 प्लीज। और मुझे इससे भी ज्यादा खुशी इस बात की है
कि गंगा पुनरुद्धार का काम हमने बहन उमा भारती जी को सौंपा है, जिन्होंने अपना जीवन गंगा जी के प्रति समर्पित कर दिया है। मैं कह रही थी कि उस दिन जापान के प्रधानमंत्री ने केंद्रीय कक्ष में गंगा जी को गंगा मैया कहकर जिस समय संबोधित किया था तो कर्तक ध्वनि से केंद्रीय कक्ष गूंज हुआ था। इसीलिए मैं कह रही हूँ, मैं आ रही हूँ। आप ठीक कह रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, लेट देम डिस्कस। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हिंदुस्तान बैठिए प्लीज। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हिंदुस्तान की तहजीब को आप लोग प्लीज, आप लोग चुप रहिए ना, आप लोग क्यों बोलते हैं। हिंदुस्तान की तहजीब को गंगा जमुनी तहजीब कहा जाता है, इसलिए मैं बिल्कुल सही आपने बात कही है। हम गंगा जमुनी तहजीब के लिए, जब हमने कहा ना कि सारे नदी विकास, लेकिन गंगा के लिए चूंकि अलग महकमा बना है इसलिए मैंने उसका जिक्र किया, गंगा पुनरुद्धार का। अध्यक्ष जी, कल खड़गे जी ने बोलते हुए कहा कि कुछ नहीं है, ये तो मार्केटिंग की सफलता है, और अगर किसी को सीखना है तो मार्केटिंग बीजेपी से सीखे। खड़गे जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ, मार्केटिंग का एक बुनियादी सिद्धांत है, प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए। अगर प्रोडक्ट अच्छा नहीं होगा तो मार्केटिंग हो ही नहीं सकती। अगर प्रोडक्ट अच्छा नहीं होगा तो मार्केटिंग हो ही नहीं सकती। प्लीज सुषमा जी, मार्केटिंग की कोशिश आपने भी की, लेकिन हमारा प्रोडक्ट जनता के मन को भा गया, इसलिए ये मार्केटिंग की सफलता नहीं, प्रोडक्ट की विशेषता है। अध्यक्ष जी, अब मैं विदेश नीति पर थोड़ी बात करना चाहूंगी। पैरा 43 में हमने उसका जिक्र किया है और तीन शब्दों का इस्तेमाल किया है, मेरी सरकार एक सशक्त, आत्मनिर्भर तथा विश्वास से भरपूर भारत का निर्माण करने और देश को राष्ट्रों के समुदाय में उसका सही स्थान दिलाने के लिए वचनबद्ध है। मैं स्वयं इस विभाग को देख रही हूं और मैं कह सकती हूं आपसे कि रातों रात दुनिया में भारत का महत्व बढ़ गया है। जो अखबारों में खबरें छपती थी, इंडिया सक्सेस स्टोरीज ओवर, अब उनको लगने लगा है नहीं, भारत की संभावना वापस लौटी है, भारत का पोटेंशियल वापस लौटा है। और मैं आपसे बताऊं, भारत में कौन सबसे पहले आए, भारत के प्रधानमंत्री कहां सबसे पहले जाएं, इसके लिए एक दौड़ लगी हुई है। और ये एक शुभ संकेत है, क्योंकि बाकी के देश हमारी प्रगति में भागीदार बनकर अपनी प्रगति भी करना चाहते हैं, और हम इस शुभ संकेत का सूत्र पकड़कर आगे बढ़ेंगे और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भारत की नाक ऊंची करेंगे, ये हमारी प्रतिबद्धता। और इसी सूत्र को जब हम आगे ले जाते हैं तो मुझे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की दो पंक्तियां याद आती हैं, उन्होंने स्वयं बोली थी, स्वप्न देखा था कभी जो आज फिर धड़कन में है, एक नया भारत बनाने का इरादा मन में। अध्यक्ष जी, उस नए इरादे को बनाने का ही संकल्प इस अभिभाषण में लिया गया है, और मैं आपके माध्यम से देश को विश्वास दिलाती हूँ कि देश की जनता का आशीर्वाद लेते हुए और हमारे तमाम विपक्षी साथियों का सहयोग लेते हुए हम इस इरादे को पूरा करेंगे, और यही विश्वास दिलाते हुए राजीव रूड़ी जी ने जो प्रस्ताव कल रखा था उसका समर्थन करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।